Here in the 11th part, you have to find the multiplicative inverse of each of the following complex number given to you. अब 4 - 3 आया आपको दिया और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है आपने, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4 - 3 आई। अब 4 - 3 आई को आप किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, 4 + 3 आई से, ताकि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सको। और न्यूमरेटर में आया आपका आयोटा। अब यहाँ पे ऊपर तो आपका 4 + 3 आई हो गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लीकेशन करने पर इट विल गिव द सेम नंबर। नीचे आपके पास आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, क्योंकि एक टर्म माइनस में दूसरी टर्म प्लस में, a² - b² आइडेंटिटी। तो पहली आपका क्या हो गया टर्म, 4² - 3i² अब आपके पास ऊपर वाली टर्म क्या बची, 4 + 3i, नीचे क्या बना आपका, 16 - 9i² आई स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, यू कैन पुट इज 1 - 1 सॉरी 16 - 9 - 1। अब माइनस माइनस इज प्लस, तो 16 + 9 हो जाएगा एंड यू हैव इज 4 + 3 है। तो फाइनली आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, 4 + 3 है ओवर 1 25, एंड दैट वुड बी योर आंसर।